राइट डियर, तो सबसे पहले प्रोटोकॉल है क्या? राइट डियर, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किसको रिलेट करते हैं, पहली चीज. सो वी कैन से जब भी हम किसी भी ट्रांसमिशन की बात करते हैं डियर, और इस नेटवर्क पर डेटा एरर फ्री ट्रांसफर हो, राइट, रिलायबल फॉर्मेट में कम्युनिकेशन हो, जिसके लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है. ठीक है जी, ऐसा करने के लिए क्या करना होता है डियर, हमें हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो रिलेट करते हैं कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मोड के लिए, जिससे हमारा जो ट्रांसमिशन है वो एरर फ्री हो, रिलायबल हो. इस रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स है, ये कौन है? प्रोटोकॉल्स है, राइट डियर, जो आपको हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हम इसको कह सकते हैं. और सबसे फेमस प्रोटोकॉल डियर, सबसे हम कह सकते हैं जो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है, इंटरनेट, जहां पे डेटा ट्रांसमिशन बहुत हायर होता है. तो यहां पर हमारा सबसे फेमस प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का है, TCP/IP प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट डियर. तो लेट अस डिफाइन द वर्ड प्रोटोकॉल इन द सिंपलेस्ट मैनर. Rules and regulations followed by devices for error-free and reliable data communication is known as protocols, right dear? So जैसा मैंने अभी अभी कहा कि जो हमारा सबसे famous protocol है TCP/IP protocol है, जो relate करता है internet से. So dear, TCP/IP प्रोटोकॉल हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल. अब ये जो दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं स्लैशिंग के साथ में, पहला पार्ट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा पार्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल का डियर. तो जो पहला पार्ट है डियर, वो हमारा बेसिकली क्रिएशन को रिलेट करता है, यानी व्हेन वी असेंबल और डिसेंबल दी डेटा पैकेट्स, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारा ये वाला पार्ट काम करता है, टीसीपी पार्ट काम करता है. क्या है ये? डील्स विद असेंबलिंग एंड Deassembling of data packets. Dear, packets, आपको ध्यान हो तो मैंने अभी भी पढ़ाया है पैकेट स्विचिंग, जहां पे पैकेट्स क्रिएट होते हैं. मैंने अभी भी बताया था कि जितना भी हमारा इंटरनेट ट्रांसमिशन है वह पैकेट्स के थ्रू होता है, तो वही है यहां पर. वो पैकेट्स को जब क्रिएट किया जाता है और जब हम उसको डिसअसेंबल करते हैं, डिवाइड करने के लिए, कि डेटा जहां पर जाना होता है वहां उसको, तो वहां पर हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है. एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल कब काम करता है? जब हमें डेटा को ट्रांसफर करना होता है, राइट डियर. सो ये क्या करता है? हैंडल्स फॉरवर्डिंग और रूटिंग
internet channels from source to destination. Right? ये है डियर हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल. अब डियर हमें डिस्कस करना है इससे रिलेटेड मॉडल को. क्या डिस्कस करना है डियर हमें? मॉडल को, टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल. यानी जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसके बीच में कितनी हमारी हम कह सकते हैं लेयर्स आती हैं, राइट? सो नाउ वी डिस्कस द टीसीपी आईपी मॉडल. ओएसआई मॉडल, इन दोनों के बीच का हम कंप्लीट डिफरेंस डिस्कस करेंगे. डियर ओएसआई मॉडल जो हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जहां पर जब डेटा ट्रांसफर होता है तो जितनी भी हमारी लेयरिंग आती है बीच में, जो कनेक्शंस आते हैं ट्रांसमिशन के टाइम पे, वो सारी लेयर्स आती हैं. और जैसा कि हम यहां पर जानते हैं कि हमारे ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स हैं और टीसीपी आईपी मॉडल में हमारे पास 5 लेयर्स हैं. तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि ओएसआई जो है यहां पर हमारी 7 लेयर मॉडल है, राइट डियर, एंड टीसीपी हमारी 5 लेयर मॉडल है. राइट डियर, सेकंड डिफरेंस इज ये जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है ये बेसिकली इंटरनेट डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जबकि ओएसआई मॉडल नॉर्मल ट्रांसमिशन के लिए, जहां पर हमारे सभी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं वो कंसिडर किए जाते हैं. सो राइट डाउन, दिस मॉडल इज यूज्ड फॉर इंटरनेट डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंड यहां पर सभी के लिए. दिस मॉडल इज बेस मॉडल, यहां पर स्पेसिफिकेशन है इंटरनेट के साथ और ये क्या है मेरा बेस मॉडल है, फॉर ऑल द प्रोटोकॉल्स एंड यूज प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क. राइट डियर, ये डियर हमारा जो मॉडल है ओएसआई मॉडल के बाद डेवलप हुआ है टीसीपी आईपी मॉडल, क्योंकि जैसा हमने कहा कि जो मेरा ओल्डेस्ट और बेस मॉडल है वो ओएसआई मॉडल ही है, राइट? एंड ये मेरा जो है आफ्टर हमने ओएसआई मॉडल के बाद डेवलप किया है स्पेसिफिकली इंटरनेट के लिए. अच्छा, यहां पर जो डिफरेंस है हमारा जो लेयर्स को रिलेट करता है वो हम यहां पर देखेंगे डियर. सबसे पहले हम टीसीपी के लिए लिख रहे हैं, इट यूजेस एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट जिसको हम नेटवर्क भी कहते हैं, नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, राइट डियर, और डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर फॉर डेटा कम्युनिकेशन. तो यहां पर आप देख रहे होंगे डियर 5 लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेयर्स हैं, राइट? जबकि ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स हैं. सो इट यूजेस एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, राइट डियर, फॉर डेटा ट्रांसमिशन.
idea? So, ये मैंने आपके साथ discuss किए हैं models, dear models में comparisons बहुत important है exam point of view से. dear exam में काफी बार इसको पूछा गया, difference पूछा गया है DCP, IP and OSI model में क्या difference है. Note कर लीजिए इसे.